स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर नंबर 20 में हम डिफरेंशिएशन के एप्लीकेशन का सेकंड टॉपिक देखने वाले हैं, जो जिसमें हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे। तो किस तरह से फाइंड करते हैं उसके मैंने यहाँ पे राइट साइड पे सब स्टेप्स लिखे हुए। क्वेश्चन को सॉल्व करते करते हम स्टेप बाय स्टेप देखते जाएंगे और आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने 2019 का लिया है। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा आपको एक इक्वेशन दिया होगा, वो इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है ये स्टेप से और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए स्टेप नंबर वन क्या है, फाइंड एफ डैश एक्स। तो मैं स्टेप नंबर वन यहां पे लिखता हूं। अब मैं फाइंड करूंगा एफ डैश एक्स, तो उससे पहले मैं देखता हूं कि एफ एक्स क्या है। अब एफ एक्स क्या लेना है, आपको क्वेश्चन को लेना है, तो ये हो जाएगा 2x³ - 3x² - 12x + 5। दिस इज योर एफ एक्स। अब एफ डैश एक्स फाइंड करना है, उसका मतलब डैश का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन, यानी इसको डिफरेंशिएट करना है। तो ठीक है, मैं डिफरेंशिएट करता हूं 2x³ - 3x² - 12x + 5। d/dx पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, तो d/dx ऑफ 2x³ हो जाएगा, फिर d/dx इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये माइनस साइन था इसलिए माइनस साइन d/dx 3x² हो गया, फिर ये माइनस साइन ऐसा, फिर ये d/dx यहाँ पे आया, वो हो जाएगा 12x के साथ, फिर d/dx 5 के साथ। अब डिफरेंशिएट करना है तो कांस्टेंट हमेशा आगे आता है, तो ये 2 आगे आ गया। अब मैं यहाँ दो फॉर्मूलास लिखता हूँ जो हमें काम लगेगी डिफरेंशिएशन की। पहली फॉर्मूला है d/dx ऑफ x^n = nx^n-1, d/dx ऑफ kx इक्वल्स टू k आगे चला गया d/dx ऑफ x। और एक थर्ड फॉर्मूला भी मैं लिख दूंगा, ताकि अगर आपने मेरे स्टार्टिंग से लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आपको एकदम से समझ नहीं आएगा, इसलिए उसके लिए मैं लिख रहा हूं। 2 आगे, अभी ये इसमें क्या होगा, देखो 2 फंक्शन के साथ है 2x, kx था ना जैसे, तो k आगे चला गया, उसी तरह से 2 आगे चला जाएगा, d/dx x³ के साथ रहेगा, माइनस साइन, अब 3 फिर से आगे चला जाएगा, कांस्टेंट है इसलिए d/dx ऑफ x² हो गया, 12 आगे चला गया, कांस्टेंट है इसलिए 12 d/dx ऑफ x। अब कांस्टेंट के साथ डिफरेंशिएट करना है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, इसलिए मैं यहां पे 0 लिख दूंगा। अब x³ का डिफरेंशिएशन फर्स्ट फॉर्मूला से करेंगे तो उसमें n आगे चला जाता है, इसमें 3 पावर जो है वो आगे चला जाएगा, और d/dx ऑफ x क्या हो जाएगा, 3 - 1, पावर एक कम होता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 - 1 यानी माइनस 3। अब इसमें भी 2 आगे चला जाएगा पावर, ठीक है, सो 2, फिर x का पावर क्या आएगा, 2 - 1, जो पावर होता है उसमें से 1 माइनस करना होता है तो वो होगा 1, बट पावर कभी भी 1 लिखना नहीं है इसलिए हम कुछ नहीं लिखेंगे, माइनस साइन 12। अभी डिफरेंशिएशन ऑफ x इज ऑलवेज 1, क्यों 1 होता है तो मेरे पिछले लेक्चर्स देख लेना, उसमें डिटेल में मैंने समझाया है। 3 × 2 = 6, सॉरी यहां पे d/dx नहीं आएगा, 3 आगे चला गया, हां ओके, तो ये हो जाएगा 6x² - 3 × 2 = 6x - 12। ये हुआ आपका आंसर f'x का, राइट। चलो ये तो हमारा हो गया।
अब हमें फाइंड आउट करना है एफ डबल डैश एक्स। तो डबल डैश का मतलब क्या होता है, ये जो आपका आंसर आया इसी आंसर को डिफरेंशिएट करना है। तो स्टार्ट करते हैं एफ डैश डैश एक्स, डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो मैं थोड़े डायरेक्ट स्टेप्स लिख रहा हूं क्योंकि जगह थोड़ी सी कम है, तो मैं डायरेक्टली डी बाई डी एक्स सभी को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, बस इतना डायरेक्ट स्टेप मैंने किया है। अब कांस्टेंट आगे जाता है तो 6 आगे, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन फर्स्ट फॉर्मूला के हिसाब से जो स्क्वायर का 2 है वो आगे चला जाएगा और एक्स का पावर 1 बचेगा, तो मैं लिखता नहीं हूं 1 पावर, इसलिए 6 आगे चला जाएगा, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है और ये डिफरेंशिएशन 0 होता है, यानी इसका आंसर आएगा 6 × 12 x − 6। ये हो गया एफ डबल डैश एक्स का आंसर। और इस तरह से हमने दो आंसर्स फाइंड आउट किए हैं, एफ डैश एक्स ढूंढा है और एफ डबल डैश एक्स ढूंढा है। ये दोनों आंसर्स मैं थोड़े साइड में लिखता हूँ, बाकी का चीज मैं रफ कर दूंगा क्योंकि हमें हमारा तो अभी फर्स्ट स्टेप ही हुआ है, फोर्थ स्टेप तक जाना है तो जगह की जरूरत पड़ेगी। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 6x² − 6x − 12 मिला हमें और f डबल डैश x मुझे मिला है 12x − 6, इतना मुझे मिला है, बाकी का मैं रख कर दे। यानी इसी के साथ हमारा फर्स्ट स्टेप खत्म हुआ है, अभी और काफी स्टेप्स बाकी है क्योंकि टोटल 4 स्टेप्स हैं। तो अभी देखो सेकंड स्टेप में क्या दिया आपको, सेकंड स्टेप में आपको वैल्यू पुट करनी है। क्या दिया है, पुट एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 एंड फाइंड एक्स, एफ डैश एक्स 0। तो मैं ये पहले लिखता हूं क्वेश्चन तो आपको समझ आएगा, एफ डैश एक्स पहले लिख देना है आपको 6x² − 6x − 12। अब आपको क्या करना है, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 यानी लेफ्ट साइड ये है वो 0 हो जाए, क्लियर। अब ये इक्वेशन में हम क्या कर सकते हैं, डिवाइडिंग बाय 6 ऑन बोथ द साइड, दोनों साइड पे 6 से डिवाइड करना है। तो ये तो 0 हो गया, ये x स्क्वायर हो गया, ये x हो गया, ये 2 हो गया। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों किया, बिकॉज इसका भी आंसर फाइंड आउट करना होगा, 6 से डिवाइड नहीं किया इसका आंसर फाइंड आउट करना है तो फिर ज्यादा आपको मेहनत लगेगी, ये हमने 6 से डिवाइड कर दिया तो भी कम मेहनत में सॉल्व हो जाएगा। देखो अभी आपको इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कैसे करेंगे, x² − x − 2 = 0 पहले लिख दो। अब आप देखो इसमें हम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो 2 जो है 2 के आपको फैक्टर निकालना है, तो 2 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, माइनस माइनस क्या होता है यहाँ पे माइनस माइनस साथ में होता है तो माइनस माइनस प्लस होता है, ये रिंग आपको यूज करना है, तो पहला माइनस का साइन इसको दो, दूसरा प्लस का साइन इसको दे दो, तो आंसर क्या आएगा −1। एक ये फैक्टराइजेशन हो सकता है, दूसरा मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि 1 × 2 = 2, 1 × 2 = 2 होता है, तो अभी इसमें भी हम यही करेंगे, माइनस माइनस प्लस होता है तो माइनस साइन इसको देंगे, हमेशा ये रिंग का पहला साइन इसको देना है पहले को और दूसरा साइन दूसरे को देना है, इसका आंसर होता है +1। अब दोनों में से कौन सा सिलेक्ट करेंगे उसके लिए आपको ये देखना है कि बीच का जो टर्म है उसमें नेगेटिव साइन है या पॉजिटिव साइन है, क्योंकि जो माइनस लिखा है एक्चुअली −1x है, 1x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x ही रहेगा, यानी कि −1
बीच का टर्म है, तो किस आंसर में माइनस वन आता है? इसमें आता है, यानी ये आपका फैक्टराइजेशन करेक्ट है, ये है रॉन्ग। अब इसको इसमें कैसे यूज करना है? माइनस टू पहले लिख दो, फिर प्लस वन एक्स लिख दो, माइनस टू इक्वल्स टू जीरो। तो अब इसमें से कॉमन क्या है? ये दोनों में से कॉमन x, तो मैं x कॉमन निकालता हूं, क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर में से एक x बाहर निकल गया, एक x अंदर रहेगा, माइनस टू बचा क्योंकि x तो बाहर चला गया, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो प्लस वन कॉमन कर दो, प्लस साइन इसलिए प्लस लिखा, यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ माइनस लिखते और कुछ कॉमन नहीं होता तो फिर वन लिखते, ठीक है। अब क्या बचा, क्या है इसमें x माइनस टू? ये मेथड अपना करेक्ट है वो आपको इसी स्टेप में पता लग जाएगा, क्योंकि दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए, दोनों ब्रैकेट के बदले एक ही बार लिखूंगा और अभी जो बच गया उसको एक नए ब्रैकेट में लिख दूंगा, x प्लस वन, जीरो तो था ही ऑलरेडी। अब इसका मतलब ये है कि ये एक ब्रैकेट इक्वल्स टू जीरो या तो दूसरा ब्रैकेट इक्वल्स टू जीरो, माइनस टू को वहां भेज दो तो x इक्वल्स टू टू हो जाएगा और ये माइनस वन को प्लस वन को वहां भेजो तो नेगेटिव हो जाएगा माइनस वन, यानी कि हमें दो वैल्यूज x की मिली है। तो आप हमारे स्टेप्स में देखो मैंने क्या लिखा है, टू वैल्यूज, दो वैल्यूज आपको मिलेगी। अब दो वैल्यूज इस तरह से मिलेगी कि एक वैल्यू जीरो से बड़ी होगी और एक दूसरी वैल्यू जीरो से कम होगी। तो इसमें ये जो वैल्यू है वो जीरो से ज्यादा है, ये वैल्यू जीरो से कम है, ठीक है। अभी हम आगे देखते हैं, यानी x की वैल्यू भी आपको मिल गई है, वो भी मैं साइड पे लिख देता हूं, हमें उसको यूज करना है बाद में। x इक्वल्स टू टू एक वैल्यू आई और x इक्वल्स टू माइनस वन एक दूसरी वैल्यू, ये तीन चार वैल्यूज हैं। ओ, जिसको हम आगे यूज करने वाले, ठीक। इतना हमारा स्टेप नंबर टू ओवर, अब हम स्टेप नंबर थ्री करेंगे, उसमें देखो कैसे होगा। क्या लिखा है, पुट वैल्यू वन इन एफ डैश डैश वैल्यू वन, इसका मतलब आपको समझाता हूं, मैंने शॉर्ट में लिखा है। ये दो वैल्यूज हमको मिली थी x की, पहली जो वैल्यू है वो आपको f डैश डैश x में डालनी है। देखो कैसे, पहले f डैश डैश x लिख दो, 12x माइनस सिक्स, ठीक है। अब आपको ये x की वैल्यू इसमें डालनी है, इसलिए मैंने उसको इस तरह से लिखा v1 यानी वैल्यू 1, पर आप ये समझना कि पहली वैल्यू मेरे को इसमें डालनी है, तो अगर इसमें डालेंगे तो पहली वैल्यू इसमें भी जाएगी ना, इसलिए मैंने उसमें वैल्यू 1 लिखा है इसके साथ ऐसा। इसको कैसा लिखना है, x के बदले 2 लिखना है और यहां भी x के बदले 2 लिखना है ऐसे। तो इसमें मैं लिखूंगा कि if x equals to 2, क्योंकि एग्जाम में आप एरोज नहीं कर सकते, एग्जाम में ऐसा लिखना है if x equals to 2, तो यहां पे होगा f dash 2 equals to 12 to minus 6। अब ये 12 2 is 24 minus 6, तो ये हो जाएगा 18। देखिए आपका आंसर आया। अब इसमें आप देखो मैंने थर्ड स्टेप में ये लिखा है ग्रेटर देन जीरो लेस देन जीरो,
ग्रेटर देन जीरो हो तो मिनिमम, लेस देन जीरो हो तो मैक्सिमम। तो इसमें आप देखो ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है, इसलिए ये क्या होगा आपको ऐसा लिखना है, इट विल गिव मिनिमम वैल्यू, ऐसा आपको लिखना है। ये आंसर नहीं है पर ये हमको आंसर देगा आगे जाके फोर्थ नंबर के स्टेप में, ये आपको आंसर देगा। तो आपको ऐसा लिखना इट विल गिव मिनिमम वैल्यू, उसके बाद क्या दिया है, ये हो गया, उसके बाद क्या लिखा है, पुट वैल्यू वन इन क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में आपको वैल्यू डालनी है, वैल्यू वन, वैल्यू वन यानी हमारी पहली वैल्यू है एक्स इक्वल्स टू टू, मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ, ये हमारी वैल्यू वन मिली थी, ये है वैल्यू टू, ठीक है। तो वैल्यू वन आपको एक क्वेश्चन में डालनी है, इसके कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं, पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ, वाई इक्वल्स टू टू एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेल्व एक्स प्लस फाइव, इसमें मैं एक्स की वैल्यू डालूंगा तो ये हो जाएगा टू क्यूब, एक्स के बदले टू लिखना, तो देखो क्या आएगा, ये एट हो जाएगा, ये फोर हो जाएगा, ये ट्वेंटी फोर हो जाएगा, और ये फाइव, सिक्सटीन माइनस फोर थ्री जार ट्वेल्व माइनस ट्वेंटी फोर प्लस फाइव। तो कैलसी मैथ्स में अलाउड नहीं होता है, कैसे सॉल्व करना है, पहले प्लस प्लस को सॉल्व कर दो, 16 प्लस 5 क्या होगा 21, फिर ये माइनस माइनस को सॉल्व करो तो 6 प्लस 2 सॉरी 4 प्लस 2 6, 2 प्लस 1 3। अब इसमें कैसे करते हैं, तो इसमें मिस्टेक होती है, बच्चों को नहीं समझ आता है, तो याद रखना कि जब भी अलग अलग साइन हो, इस ये प्लस है ये माइनस है, तो अगर अलग अलग साइन है तो आपको हमेशा माइनस ही करना, बड़े में से छोटे को माइनस करना। तो 36 में से 21 माइनस होगा तो ये हो जाएगा 15, और साइन किसका रखना है, बड़े का, तो 15 का साइन क्या आएगा माइनस, यानी ये हो गया आपका y की वैल्यू। तो मिनिमम होगा क्योंकि लिखा था इसमें कि ये 18 जो वैल्यू है आपको मिनिमम देगा, इसलिए तो उसको हमने चेक किया, ये नेगेटिव में आ रहा है, एक y की वैल्यू आ रही है नेगेटिव। अब बाद में देखेंगे कि भी मैक्सिमम है या मिनिमम है, ये मिनिमम ही आएगा क्योंकि जो दूसरी वैल्यू अभी ये जो वैल्यू टू जब इसमें डालोगे पूरे में तो ये y पॉजिटिव आ जाएगा, तो वो मैक्सिमम हो जाएगा, ये मिनिमम हो जाएगा, कोई बात नहीं। चलो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अलग से, तो y इक्वल्स टू माइनस 15 हमको यहाँ पे ऐसा लिखता हूं, when x equals to 2 तो हमें क्या मिला है, when x equals to 2 तो हमको y मिला है माइनस 15, ठीक है। अब x equals to माइनस वन इसमें डाला है क्योंकि हम स्टेप नंबर अभी फोर करेंगे जिसमें वैल्यू टू जो है वो f डबल डैश में डालनी है। तो देखते हैं, अब हम लोग x की वैल्यू टू इसमें डालेंगे, तो मैं लिख देता हूं कि इफ x इक्वल्स टू माइनस वन जो हमारी सेकंड वैल्यू है इसमें डालेंगे तो क्या आएगा, देखो f डैश डैश माइनस वन इक्वल्स टू ट्वेल्व माइनस वन माइनस सिक्स, ये हो जाएगा माइनस ट्वेल्व माइनस सिक्स, ये हो जाएगा माइनस 18, तो लेस देन जीरो है। तो आपको लिखना है इट विल गिव मैक्सिमम वैल्यू, और हम चेक कर लेते हैं,
तो हम अब ये लिखेंगे ये वाला स्टेप, सेकंड वैल्यू को क्वेश्चन में डालना। तो सेकंड वैल्यू ये है, इसको क्वेश्चन में डालना, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ, 2x³ - 3x² - 12x + 5। अब इसमें x की वैल्यू डालूंगा तो ये हो जाएगा -1, x के बदले -1, x के बदले -1 + 5। -1 का क्यूब नेगेटिव -1, -1 का स्क्वायर +1, और ये -1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो -, -+ हो जाएगा। ये होगा -2, ये -3 +12 + 5। नेगेटिव नेगेटिव को आप जब करोगे तो दोनों के साइन सेम है, जब साइन सेम होता है तो ऐड होता है, ये 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 17। 17 - 5 = 12। तो देखो ये आंसर हमारा प्लस में आ रहा है। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि व्हेन, इसके बाद लिखेंगे सेकंड दिया है। नाउ व्हेन एक्स इक्वल्स टू -1, तो वाई मेरा क्या आया है +12। अब देखो दोनों में, दोनों जो वैल्यूज है उसमें से मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कौन सी, बड़ी वैल्यू 12 है, ये मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो आपका आंसर लास्ट में क्या लिखना है, आपको आंसर आप ऐसा लिखो, यहां पे लिखता हूं नीचे दो स्टेप से जब रख कर देखो क्या लिखना है। मैक्सिमम वैल्यू इक्वल्स टू 12 और दूसरा आएगा मिनिमम वैल्यू इक्वल्स टू -15, राइट। दिस इज योर आंसर। सम्स थोड़े बड़े होते हैं मैक्सिमम मिनिमम के, पर इजी है क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम का एक ही टाइप है आपके सिलेबस में, हमेशा इसी टाइप से, इसी स्टेप से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो कुछ भी डिफिकल्टी है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम टीचिंग यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।